पब्लिक टीवी आपकी आवाज। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह के द्वारा कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण किया गया और शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया। छात्राओं द्वारा सुंदर प्रस्तुति पर जिलाधिकारी ने छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज संविधान के प्रति जो शपथ ली गई है उसको अपने आचरण और जीवन में उतारें। हमारे संविधान में वो सभी तत्व हैं जो किसी भी राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर ले जा सकता है। आज के दौर में सभी कार्य कंप्यूटर के द्वारा किए जा रहे हैं, किंतु हमारा संविधान हस्तलिखित है और सुरक्षित है। हमारा संविधान हमें राजनैतिक न्याय की आजादी दिलाता है। हमारा राष्ट्रीय झंडे में सफेद रंग शांति, हरा रंग समृद्धि और केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि संविधान की शक्ति लोगों को न्याय देने के लिए है। हम अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से निर्वहन करेंगे तो निसंदेह हम उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। जिन लोगों ने देश को आजाद कराने में अपनी कुर्बानी दी है, उनको याद करने के लिए भी ये राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। संविधान की मूल भावना कल्याणकारी राज्य की है। कल्याणकारी राज्य के रूप में सरकार ने बहुत सी सुविधाएं नागरिकों को दी है। प्रदेश में 80 लाख शिकायतों का निस्तारण IGRS के माध्यम से हुआ है और कृषि एवं उद्योग हर क्षेत्र में सरकार विशेष प्रगति कर रही है। हमारे देश के संविधान जैसा संविधान पूरी दुनिया में नहीं है। शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आज हमने जो संविधान की संकल्प और शपथ लिया है उसका अपने आचार और व्यवहार में भी उसी के अनुरूप अपना आचरण करेंगे। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है कि जैसा कि हमारे अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि जब अंग्रेज ये देश छोड़ रहे थे तो उन्होंने ये परिकल्पना नहीं की होगी कि भारत का संविधान इतना अच्छा और इतना उच्च कोटि का होगा। हमारे संविधान में वे सभी तत्व हैं जो किसी भी राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए एक, जिसे कह सकते हैं कि आगे ले जाने के लिए वो सारे उन सारे तत्वों का समावेश हमारे संविधान में है जो किसी भी राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर ले जा सकता है। परिवार समझने वाले लोग हैं और ये धारणा अगर हमारे नागरिकों के दिमाग में बसीभूत होकर के अगर ये फलीभूत हो जाती है तो उसका परिणाम ये होगा कि हम आपस में इतने भाईचारे के साथ रहेंगे, इतने मेल मिलाप के साथ रहेंगे कि कभी भी हमारे बीच किसी भी प्रकार की कोई कटुता सामने नहीं आएगी। और जब हमारे सामने कोई कटुता सामने नहीं आएगी तो निस्संदेह हम प्रगति की ओर अग्रसर होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे और ये जान करके हम आप लोगों को आश्चर्य होगा, आज हमारे पास कंप्यूटर है, सारी चीज़ें हैं और हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, उसको प्रिंट देते हैं, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरा संविधान हाथ से लिखा गया था और आज भी वो संसद के जो पुस्तकालय है उसमें हस्तलिखित संविधान सुरक्षित रखा हुआ है। जैसा कि अभी हमारे खालिद जी ने बताया था पहले कि उन्होंने एक एक शब्द की व्याख्या की, निस्संदेह आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम शुरुआत तिरंगा फहरा करके करते हैं। आप जानते हैं हमारा तिरंगे का जो केसरिया रंग है वो बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग हमारा शांति का प्रतीक है और हरा रंग हमारा समृद्धि का प्रतीक है। तात्पर्य हमारे झंडे से निकल जाता है कि अगर हम त्याग और बलिदान की भावना के साथ शांति के पथ पर आगे बढ़ते चलें तो निस्संदेह हम उन्नति के शिखर पर पहुँचेंगे। ये संदेश हमारा झंडा देता है। इसी तरह से हमारा जो संविधान है
वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। राजनीतिक न्याय हम सभी को प्राप्त है, कोई अमीर आदमी है, कोई गरीब आदमी है, वो सबको एक वोट देने का अधिकार है, अपना जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। और जनप्रतिनिधि ही जो हमारा गणतंत्र है, ये गण का तंत्र है, लोगों का ही एक ढांचा है। इसमें जो अगर हम देखें तो जनता का एक ढांचा है जो सरकार चलाता है। और एक बहुत अच्छी खूबसूरत बात हमारे संविधान में लिखी है कल्याणकारी राज्य की। हम हमेशा अगर इस तथ्य को ध्यान में रखें कि राज्य किसी का उत्पीड़न करने के लिए नहीं है, पावर किसी का उत्पीड़न करने के लिए नहीं है, बल्कि न्याय प्रदान करने के लिए है, लोगों का सहयोग करने के लिए है, उनके कल्याण करने के लिए है, उनके सुख दुख में भागीदार बनने के लिए है। तो अगर हम इन मूल भावना को, संविधान की मूल भावना को दृष्टिगत रखते हुए अगर अपने कार्य और आचरण में परिवर्तन लाएं, अपना कार्य और आचरण निश्चित करें, तो निस्संदेह हमारा देश राष्ट्र के सबसे अग्रणी देशों में होगा।